दिल्ली में तबलीगी जमात की वजह से बढ़ रहे कोरोना केस के बीच एक नई चिंता भी सरकार को सता रही है। आए दिन किसी न किसी डॉक्टर या अस्पताल के स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव निकलना अब परेशानी का सबब बन गया है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किसी भी डॉक्टर की मौत होने पर 1 करोड़ देने का ऐलान कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी के लिए पीपी सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए थोड़ी बहुत अभी कमी है मुझे बताया गया है। मैं खुद पर्सनली परस्यू कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार से भी लगातार टच में हूँ, जितने मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं इधर से उधर से सबसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने हम लोगों से संपर्क किया था डोनेशन देने के लिए, मैंने कहा जी डोनेशन मत दो, तो आप कहीं से साम दाम दंड भेद कुछ भी करके हमारे डॉक्टर्स के लिए पीपी ऑर्गेनाइज कर दो अगले कुछ दिनों के अंदर। तो मैंने उनसे वो उन्होंने कहा हम सीएम रिलीफ फंड में पैसा दे देते हैं, हमने कहा कि हमें इस टाइम पैसे से ज्यादा पीपी की जरूरत है, और अगर आप जितने पीपी दे देंगे हमारे डॉक्टर्स उतने ज्यादा सुरक्षित होंगे। तो हम पूरी तरह से लगे हुए हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पीपीज की किसी तरह से कमी ना होने दें। अगर बात करें कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की तो इसमें सबसे नया मामला दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ डॉक्टर का है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर को हरियाणा के झज्जर स्थित एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के 2 नर्सिंग अफसर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि अभी 2 दिन पहले ही इस अस्पताल का एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टर के संपर्क में आए कुल 19 लोगों का टेस्ट करवाया था, इनमें से 2 लोग अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मामले तो एक तरफ है ही, पर एम्स डॉक्टर की प्रेग्नेंट पत्नी के कोरोना पॉजिटिव निकलने से मामला और गंभीर हो गया है। दिल्ली में गुरुवार को एम्स का एक रेजिडेंट डॉक्टर भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गया। हालांकि उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। डॉक्टर के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। वहीं अब डॉक्टर की पत्नी का भी कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है, वह प्रेग्नेंट है। फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है और एम्स में ही उनकी डिलीवरी होगी। कोरोना वायरस की चपेट में अब तक कुल 2500 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।